आपका मेंटोर AK सिंह। और आज आप सभी का CTET का पेपर हुआ था, यानी कि आप सभी 7 तारीख को पेपर दे के आए होंगे। और जो जो स्टूडेंट CTET का पेपर दे के आया है, वो पहले तो उसके लिए एक तरह से बधाई, क्योंकि वो पेपर देने गया। बहुत सारे बच्चों ने इस साल क्या है, पेपर को छोड़ने की कोशिश भी करी है, और सुनने में आ रहा है कि हार्ड आएगा पेपर ली, इस तरह की चीज़ें सोच कर बच्चे पेपर देने भी नहीं गए। कुछ बच्चे मुझे मिले हैं तो इस तरह की उनकी सोच थी, पर कहीं ना कहीं पेपर आया था मॉडरेट। ठीक है, पेपर था मॉडरेट, और पेपर क्या है, जो आपको पढ़ाया गया था, जो आपको बताए गए थे, उन्हीं में से ज़्यादातर आपको चीज़ें देखने के लिए मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आंसर की। इसमें आपको यानी CTET के CDP की 30 क्वेश्चन की आंसर की मिलेगी, और 30 क्वेश्चन यानी फिर हम अपना SST का और हिंदी का अपना क्या देखेंगे, आंसर की देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आंसर की को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके ऊपर, यानी कि लक्ष्य निर्धारित करने वाली बात कर रहा है। और लक्ष्य निर्धारित करने वाली जो चीज़ें थी वो आपको मैंने कहीं ना कहीं बताई थी। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने में, या लक्ष्य निर्धारित करने से छात्रों की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। भाई आपको मैंने क्या बताया था, लक्ष्य निर्धारित, और कहीं ना कहीं आपके छात्र की अभिप्रेरणा और उसकी योग्यता के बारे में जब विचार आएंगे तब आपका क्या होगा, यानी कि उसको इंक्रीज़ होगा, कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होगा। और आपके आपको मैं अगर चीज़ों को लेके चलूं, तो यानी कि आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, वो थी क्या, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण से बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो यानी कि पहले का आंसर आपका हो जाएगा 3। और ये पेपर है, यानी कि ये आपका, मैं एक बार पेपर आपको बता देता हूँ, ये सेट है आपका एल, तो ये आपका है एल सेट है। तो एल सेट के हिसाब से पहले का हो जाएगा आपका 3 नंबर आंसर। ठीक है, तो चलिए दूसरे नंबर का देखते हैं। दूसरे नंबर का आपको मैंने क्या कहा था, समावेशी शिक्षा। भाई समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा आपको बताया, यानी क्या बताया था, समावेशी शिक्षा आपको मैंने कहा था जहाँ पर भी समान, यानी कि एक तरह से मिक्स एजुकेशन की बात करी जाए तो वहाँ पर क्या होगा, समावेशी शिक्षा की बात आएगी। और इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर कन्फ्यूजन है, मैं विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्य को पेश कर, तो क्या अलग करने की बात कर रही है यहाँ पर, फिर क्या है, यानी उनको पहचान कर बच्चों को एक ही धर्म से अलग, यानी कि समय पर सिखाने की बात करें, ये भी क्या है, ठीक है। और कहीं ना कहीं विविधता को दूर करने के लक्ष्य के बात कर रहा है पहला, तो ये क्या हो गया, ये अलग अलग बात हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेद को निर्देश किए जाते हैं। तो क्या हो गया, दूसरे का आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखें। और ये जो PDF है, यानी कि ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको पेपर मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाकर, अगर जिसके पास पेपर नहीं है या जिसको पेपर देखना है, तो वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल से पेपर ये निकाल सकते हैं, आपको CDP का सेक्शन का पेपर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत का एक मुख्य समानता, भाई दोनों की क्या है, मुख्य बातें में समानता किस बारे में आती है, तो वो क्या करते हैं, दोनों ही स्वयं की शिक्षा के संकलन और यानी कि जुड़ाव की बात करते हैं, यानी कि इसका भी आपका आंसर हो जाएगा 4। और अभी मैं आपको सीधे सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि आंसर मैंने बहुत ही, यानी कि इसलिए आपको, यानी कि मैक्सिमम ये बज रहे हैं 3:30 के आसपास बज रहे हैं, बहुत टाइम क्या है ढूंढने में लगा है, सारी चीज़ें जो आपको कराई गई उस वीडियो से, आपके सारी चीज़ें आंसर ज़्यादातर मान के चलिए 99% या 98% आपके सही होंगे। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है CBSE आपको यानी चेंज कर सके, नहीं तो 99% आपके बिल्कुल सही आंसर
आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर उपेक्षाओं के अनुरूप क्या है, यानी कि जेंडर उपेक्षाओं के अनुरूप की बात कर रही थी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। तो जब जेंडर अनुरूपता की बात आई, यानी जेंडर की भूमिका, जेंडर के ऊपर भेदभाव, आपके जब चीज़ें आती हैं तो आपको क्या लेके किस चीज़ को लेके चलना होता है, जब जेंडर की बात आती है तो आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या वो भेदभाव कर रहा है, क्या वो जोड़ के चल रहा है, क्या वो समानता दिखा रहा है। तो ये आपको चीज़ें लेके चलनी ही होती हैं और इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। तो क्या है, स्त्रीता और पुरुषता की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव यानी कि बढ़ाया जाता है, यानी कि दबाव बढ़ जाता है, इस तरह की बात करता है। तो अभिकथन क्या हो गया इसमें, इसकी बात कर, अभिकथन की बात करी तो अभिकथन क्या हो गया, अभिकथन आपका सही बैठ रहा है। फिर आपको कहता है जेंडर और जेंडर भूमिका को जैविक रूप से निर्धारित किए जाते, नहीं जी, तो ये हो जाएगा गलत, यानी कि इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो आंसर हो गया, आंसर नंबर 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये भी अभिकथन और कथन के ऊपर है। आपका कह रहा है ऐसी संस्कृति में जो सामाजिक भावना पर जोर देता है, क्रोध और अभिव्यक्ति को ऐतिहासिक यानी किया जाता है और श्रम को प्रोत्साहन किया जाता है। ठीक है जी, भावना व्यक्ति परक और सीखने की भूमिका निभाती है। तो इसमें क्या हो गया, देखो जब इस तरह की बात आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी क्या कह रहा है, एक बात सही कह रहा है, ये बात सही कह रहा है, ठीक है, पर ये बात गलत कह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वाइगो यानी कि कोलर वर्ग के ने, जो कोलर वर्ग के ऊपर क्वेश्चन, देखो कोलर लॉरेंस कोलर वर्ग, वाइगोस्ती, जीन पियाजे, इनके ऊपर आपको मैंने कहा था कि 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वो आपको मिले हैं, तो आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर, जैसे हमारा 6 है पूछा गया, नैतिक विकास के क्या है, नैतिक विकास के बारे में पूछा गया, यानी कोलर के ने बच्चों के नैतिक विकास के अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था। भाई जब नैतिक विकास वो प्रयोग कर रहा था तो वो किस चीज़ की बात कर रहा था, नैतिक विकास में वो बच्चे के नैतिकता की तो बात करेगा भाई, खेलने के अवलोकन इस तरह की तो बात नहीं करेगा वो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और नैतिकता हमारी कहाँ है, यहाँ पर है, तो यानी कि आपको क्या कहा था, मैंने ट्रिक भी बताई थी, नैतिकता नैतिक साथ से जोड़ देना, तो यह हो जाएगा बच्चों के समान नैतिक, यानी कि दुविधाओं और यानी कि एक तरह से तो दुविधा रखने और अनुक्रियाओं को समलोचन करने की बात आएगी, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू यानी कि ले वाइगोस्ती के अनुसार भाषा के विकास के बीच का संबंध, और ये भाषा के विकास के बीच का संबंध है, तो ये कहीं ना कहीं पहले क्या आ चुका होगा, लैंग्वेज में आ चुका होगा क्वेश्चन, या तो पेपर 1 की या पेपर 2 की, आप अभी मैं यानी कि जब भी आएगा टाइम, अभी मैं जब पेपर छानूंगा तो इसमें आपको ये बताऊंगा कहां से पेपर क्वेश्चन उठा हुआ है। तो ये क्या है, रिपीट क्वेश्चन होगा, कहीं ज़रूर रिपीट होगा, तो आपको क्या क्या बताना है, भाई इसका क्या कह रहा है, भाषा विकास के बीच में संबंध की बात कर रहा है। अब संबंध की बात कर रहा है तो किस चीज़ की बात कर रहा है, संबंध आ गया, तो संबंध में क्या हो जाएगा, भाषा और विचार जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, से स्वतंत्र होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, चलिए यानी कि इस यानी कि जो एल सेट है इसमें ज़्यादातर 4 मिल रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भावनाओं व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल होती हैं। भाई आपको मैंने क्या बताया था, जब विकास की बात आए और विकास में इमोशनल पर्सनैलिटी और सोशल रिलेशन की बात आती है तो वो किसकी बात आती है, तो वो आ जाती है मनोसामाजिक, यानी कि आपका हो जाएगा ये आ जाएगा मनोसामाजिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। शिक्षकों को बच्चे को प्रयोग करने के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए। ठीक है, अवसर देने चाहिए, ये बात अच्छी है। उदाहरण और गैर उदाहरण पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है जी, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने के लिए एक रचनात्मक तरीके से विपरीत उदाहरण क्या है प्रदान करने चाहिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने क्या करा है, गलत करा है आंसर, इसने क्या यानी कि क्या करा है, इसमें बच्चों ने लगा दिया 4th आंसर। ठीक है,
पर ये बच्चों नहीं है आंसर। इसका क्या है भाई, आप ये बताओ आपने क्या, यानी कि आप पहली बार किसी को मीठी चीज़, या क्या नाम, एक तरह से मान लीजिए आम पापड़ या फिर इस तरह कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड खाने की चीज़ मान लो, उसका स्वाद करा रहे हो, ठीक है। यानी जैसे मान के चलते हैं आपकी, कुछ भी मान के चलते हैं, यानी कि ये चीज़ है वो क्या है, मीठी भी आती है और आपके खाने की चीज़ वो सॉल्टी भी आती है, तो आप क्या करोगे, उसे क्या करोगे भाई, उसे विपरीत चीज़ों के दिखाने के लिए कहीं ना कहीं विपरीत उदाहरण भी दोगे कि ये आपका इसमें क्या है ऐसे, यानी कि चटपटे में भी आती है, या फिर इस तरह के क्या है विपरीत उदाहरण भी दे दोगे से, तो यानी कि दोनों चीज़ों में आपका क्या है दोनों आंसर हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा आपका ये, यानी ए और आर दोनों सही हैं, इसका आंसर ये है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पाठ वैकल्य से जुड़, यानी कि जूझ रहे छात्रों को पढ़ाने सिखाया जा सकता है, किस तरह सिखाया जा सकता है। अब इसमें मैंने क्या कहा था भाई, आपको क्या कहा था, ग्रेड स्तर कट गया, आप सोच के देखो, ग्रेड की बात करी, ये लंबे और जटिल गद्यांश की बात खत्म कर दी थी मैंने, ध्वनि परीक्षण यानी इस तरह की बात कर दी, यानी अनुकूल अनुबंधित विधि के माध्यम से, पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है, पॉजिटिव आंसर, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, आपने जो जिसने भी क्या है किसकी देखी, टैग वर्ड वाली वीडियो देखी होगी, उसने क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक शिक्षक खुद से पूछता है, मैं ऐसा अनुभव कैसे प्रदान कर, यानी कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकता हूँ जिसमें छात्रों के पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण से भिन्न प्रकार की वस्तुएं वर्गीकरण करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमा को विश्लेषण करने की आवश्यकता है, वह छात्रों में किस की बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश करना चाहता है। भाई जब इस तरह की बात है, अनुभव की साझा करना चाहता है, वो सारी चीज़ें को लेके चलना चाहता है, तो जब इस तरह की बात आती है तो वो क्या है, प्राकृतिक बुद्धि की बात कर रहा है भाई, यानी शारीरिक बुद्धि अगर शारीरिक होती, अंतर्व्यक्तित्व यानी इंटरडिसिप्लिनरी होती, भाषा किसी भाषा जुड़ी होती, ये क्या होते, प्राकृतिक होगी, तो इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही, यानी कि युग्म सही, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म है, यानी कि सही आपको इसमें आंसर छांटना है, तो अभी थोड़ी स्पीड हम बढ़ा लेते हैं, आपको क्या है क्वेश्चन बताऊंगा और सीधे आपको आंसर बता दूंगा, जिसमें आपके कई समझाने वाली चीज़ें या फिर आपको समझ में नहीं आ रही वो आपको मैं बता दूंगा। तो इसमें क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है वो किसकी बात कर रहा है, आपको एक चीज़ दिख रही होगी मानक, यानी कि मानकता की बात दिख रही होगी, मानकता की बात दिख रही है तो मानकता की संदर्भित मूल्यांकन की बात दिख रही है, साथ ही और उसके तुलना की बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसके आंसर, ऑप्शन नंबर। और बच्चों ने क्या करा है, यानी कि बहुत सारे बच्चों ने जो हमें ट्रिक बताई थी बड़े आंसर पर, मैंने आपको क्या कहा था, बड़े आंसर में पॉजिटिव गैर लिखित भी बात आ रही है इसमें, तो इसमें क्या है योग्यतात्मक मूल्यांकन पेन पेपर की बात आ जाएगी और क्या है गैर लिखित इसमें ये बात भी आ जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आपका 13 क्या है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा होती है। भाई आपका यानी कि आप ये बंद सोचो, आप आंख बंद करके सोचो, तो आप आंख बंद करके क्या कर पाओगे, टेक्स्ट बुक क्या किताब पढ़ पाओगे, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन हमें, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, तो विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा क्या करता है, आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो ये आपको पता होना चाहिए, कौन से पेपर में है, PYQ ढूंढो से आपको बताना है, ये क्वेश्चन मैंने आपको PYQ में भी कराया था कि जनसंख्या के ऊपर क्या है, उसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण बताओ, और ये क्वेश्चन एज इट इज़ क्या है क्वेश्चन में कराया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो महत्वपूर्ण होंगे तो उसका क्या होगा,
किसकी बात करें, अवधि की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण यानी पर्यावरणीय कारण हो जाएंगे। बच्चों ने लगाया अनुवांशिकता बहुत सारों ने, ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, गलत है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का सामना करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के अनुसार शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय यानी पढ़ाते समय उनके बीच संयोग समूह और कार्य के बीच बातचीत से बचना चाहिए। तो इसमें क्या है, बातचीत से बचना चाहिए यानी कि बचने की बात हो गई गलत, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए सही आर गलत। बचना नहीं चाहिए हमें, बातचीत करते रहना चाहिए। आपने देखा होगा, सोहन हाँ बताओ क्या क्यों परेशान हो रहे हो, रोहन हाँ बताओ, इस तरह की जो बात आती है आपको क्या है, क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या है, कंफर्टेबल पैदा करती है और बच्चों से तालमेल जुड़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे के यानी वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होता है, तो वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बच्चों की सोच में क्या होती है, वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पादन और सीखने के परिणामों का आकलन करता है, ठीक है। अभी कथन सही, बिल्कुल सही बात कर रहा है। फिर आपका क्या है, सीखना क्या है, पक्के तौर पर अनुक्रमण यानी कि और परिक्रमण होता है, नहीं जी इसका आंसर हो गया गलत। तो इसका क्या हो गया आंसर, हो गया इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया, इसका भी आपका ऑप्शन नंबर हो गया, इसमें क्या कह रहा है, ढांचे के परिणामों की बात आ रही है, तो इसमें हो जाएगा क्या है, इसमें दोनों ही गलत होंगे, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, भीतरी ढांचे यानी कि उसके स्कूल के ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए यानी कि और तैयार उत्पादन और सीखने के परिणामों का आकलन करना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा दोनों गलत, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या है, मैंने उससे थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा, तो इसमें आपके आंसर हो जाएंगे दोनों सही है, तो इसमें क्या हो गया ऑप्शन नंबर ये हो गया गलत, बल्कि इसमें ही क्वेश्चन में यहाँ पर बच्चों ने ये वाला ऑप्शन चुना है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये मैं आपको बताना भूल गया, ये ऑप्शन चुना है पर बच्चों को ये गलत है ये सही है, दोनों ही गलत हैं इसके आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह का है जरूर इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है, पहले क्या करना है, मैंने कहा था सही वाले में हमें क्या करना है, इस तरह गोलीन कर लेना, और फिर आपका क्या हो जाएगा इसमें क्या है, स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है, तो आपको बताइए भाई रचनावादी किसकी ओर लेके जाता है, वो डाइवर यानी कि डिस्कवर यानी कि खोज आधारित की बात करता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, और ये रिपीट क्वेश्चन है, तो आपको बताना चाहिए रिपीट क्वेश्चन में भाई संज्ञानात्मक विकास किसकी बात कर रहा है, वो संज्ञानात्मक विकास में बात कर रहा है, तो जीन प्याजे किसकी बात करता है, अवधारणाओं के जटिल से सरल के क्रम की में सिखाने की बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, तो प्रगतिशील शिक्षा में आपको बताइए प्रगतिशील शिक्षा में किसका जाता है, ज्ञानवर्धन और अर्थ का यानी अर्थ रचना की बात करते, अर्थ की बात कही थी मैंने, क्या कहते अर्थ में क्या है, टैग वर्ड है, कमजोर बच्चे को नहीं बताना, अज्ञानकारी नहीं बताना, और कहीं ना कहीं यानी कि मासूम की तरह की बात नहीं करनी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 4, ठीक है। चलिए एक क्या है, रमा नाम की टीचर है, वो क्या करे, रमा एक शिक्षक है जो क्या है, वाइगोत्सी के सिद्धांत के को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, और वह चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है, और कार्य के दौरान एक छात्र को महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करती है, रमा ने के लिए इस छात्रों की मदद करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होगा। अब हमें क्या पकड़ना था, इसमें मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिव और बड़ा आंसर, बड़ा आंसर पकड़ लिया, अब ये क्या पॉजिटिव है,
तो क्या छात्रों के साथ यानी छात्रों के समस्या पर काम करने और समूह में अन्य सदस्यों की शामिल करने होते आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शक और उसकी यानी मार्गदर्शन भी कर रही है सारी चीज़ हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? किस अधिगम की रणनीति में बच्चों के द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उनको सीखना है, यानी कि उसके क्या हो जाएगा भाई? रटने वाली बात हट गई, ठीक है, रटने वाली बात हटी, और उसके क्या है व्याख्या वाली बात हटेगी, दो नीचे के दो तो कट गए, वैसी बचे गए अनुबंधन और अधिगम, तो इसमें हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। ठीक है, अब इसका सबसे यानी कि 25 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायित्व शिक्षण की बात आएगी, तो यानी छात्रों में विभिन्न समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बात आएगी? तो क्या है इसमें, क्या है मानक, यानी कि इसमें क्या है, ये हटा, ठीक है, अब ये हट गया और ये हट गया, अब इसमें क्या है अनुकूलता और विभेदता, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से आपको आंसर मैंने कहा था, और ये भी कहीं ना कहीं आपको मैंने करवाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने पहले ही क्या देखा, केवल वर्ड देख दिया, तो मैं केवल वर्ड को काट दूंगा। ठीक है, फिर क्या है बच्चों को हितोषित करना है, ये भी काट दूंगा। अब आपको क्या है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, दो ऑप्शन मैंने वैसे ही काट दिए। तो क्या है, विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को विकास करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई उन्हें समालोचनात्मक चिंतन करना है, तो क्या है ऐसा यानी ऐसा सवाल देना चाहिए जिसमें वो निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। भाई आप वहाँ गए, यानी कि आपको क्या है, आप ताजमहल देख के आए, तो ताजमहल की नटकासी किस तरह की है और आपको उसका उससे क्या जानने को मिलता है, तो यह निष्कर्ष भी निकल गया, व्याख्या भी हो गई, हो गई कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यानी आप एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को परा यानी संज्ञानात्मक कौशल विकास विकसित करना में मदद करना चाहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है? तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो वो कौन सा परा संज्ञानात्मक कौशल की बात आती है। अब परा संज्ञानात्मक कौशल में क्या कर रहा है वो, हमने क्या पकड़ा, बड़ा आंसर पकड़ ला, यानी कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया को विचार के लिए प्रोत्साहन करना, तो यानी कि टैग वर्ड, अंकों वाली बात गलत हो गई, याद करने वाली बात गलत हो गई, नोट्स बनाने वाली गलत हो गई, तो इसमें हो जाएगा आंसर आप ये हो जाएगा। फीडबैक की बात आती है, यानी छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है, तो क्या होगी उसमें, क्या हो जाएगा प्रतिक्रिया होगी, यानी कि किसकी बात करें प्रतिक्रिया, जब यानी कि वह सीखने की गति के दौरान और पश्चात भी हो, भाई वो सीख रहे हैं तभी होगी फीडबैक। क्या है, मैंने आपसे पूछा भाई कैसा, यानी कि आपको सेटिस्फाई हो, हाँ जी सेटिस्फाई हूँ मैं इस आंसर से, भाई बाद में थोड़ी करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इस चीज़ का आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, बच्चों ने लगाया, बहुत सारे बच्चों ने, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है जी, इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह की बात बिल्कुल सही बात है। क्या है, इससे क्या होता है क्लासरूम एनवायरनमेंट अच्छा बनता रहता है, और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ऊपर भी आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, फिर आपका क्या है, ज्ञान उत्पादन और निष्क्रिय प्रक्रिया और समूह गतिविधियों के संकलन अर्थपूर्ण अधिगम को बाधा डालता है। नहीं जी, बाधा नहीं डालता तो होता है, बिल्कुल सही आंसर, बाधा डालता नहीं है, बाधा क्या होता है, ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का। सुनीता एक 12 वर्ष की लड़की है जिसे विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, तो ये क्या हो गया, आँख बंद करके दिखा आपको मैंने क्या दिखाया था, ये लगाया था, अब पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लो, मैं यानी कि मैंने लगा दिया है आंसर। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल क्या कर रहा है भाई, माता पिता की बात आ रही है, लड़की क्या संगीत और इस तरह की आवाज़ ये बात आ रही है, तो क्या हो गया, यानी अनुवांशिकता और वातावरण की बात आ गई, तो क्या हो गया यहाँ पर इस तरह की बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, और आपके सारे ज़्यादातर आपके सारे क्वेश्चन लगा, तो बताइए आपके कितने यानी 30 में से CDP में कितने नंबर हैं,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपका SST की भी आंसर की यानी कि आने वाली है, तो SST की भी इसके बाद आपको मिलेगी और हिंदी की भी आपको आंसर की मिलेगी। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको ये पेपर आपका मिलेगा। थैंक यू।